हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है इस बाइक के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों पल्सर 150 का रिव्यू करने वाले, बहुत दिन हो गए थे भाई पल्सर 150 का रिव्यू नहीं किया गया था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, पल्सर 150 के बारे में हमें बात करना भी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसे काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाता भी है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों, काफ़ी देर हो गए थे पल्सर के बारे में बात नहीं किए थे। ध्यान रखिए दोस्तों, सिंगल डिस्क मॉडल है, इसमें डुअल डिस्क मॉडल भी आता है, इसकी भी रिव्यू आएगी चैनल पे। बाकी पहले हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया दिस इज सिंगल डिस्क मॉडल, ये ट्विन डिस्क नहीं आता इसमें। सो इसमें सीट भी सिंगल आती है। ये आपको एक्सरूम प्राइस पड़ेगी लगभग 1,17,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। फिलहाल दोस्तों मैं ऑन रोड प्राइस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेट सिटी में ऑन रोड प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट की आरटीओ इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। अगर आपको पता हो कि आप लोगों का इसका क्या प्राइस है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आ जाते हैं दोस्तों अब इस बाइक के रिव्यू में। ठीक्स पहले आप देख पा रहे हैं फ्रंट से आपको ऐसा इसका डिज़ाइन एंड लुक मिलता है। मैं इसकी की ऑन करता हूँ दोस्तों। जैसे मैं की ऑन करूँगा, यहाँ पे कोई भी आपको पैलेट लैंप भी नहीं मिलता और ना ही आपको यहाँ पे कोई एलईडी रियर लाइट मिलता है। मैं आपको पास मार के दिखाता हूँ। पास मारेंगे तब आपको यहाँ पे हेलोजन जो लाइट है इसकी ऑन हो जाएगी। और आप देख पा रहे कंपनी ने यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन जो लाइट है इस बाइक में यूज़ किया है। जो टर्न सिंगल लैंप है वो आपको यहाँ पे बल्ब देखने को मिलेंगे। भाई दोस्तों, इस बाइक में जो फ्रंट सस्पेंशन आते हो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स आएंगे। सस्पेंशन की क्वालिटी आपको काफ़ी सुपर मिल जाती है। फ्रंट में जो टायर साइज़ है दोस्तों, फ्रंट में आपको 1800 का जो टायर साइज़ है वो आपको बाइक में फ्रंट में मिल जाता है। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में स्पेशल फीचर में दोस्तों इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो दोस्तों ABS है, क्योंकि सिंगल चैनल ABS आपको बाइक में मिलेगा। जो प्लेट साइज़ है वो फ्रंट में 260 mm की जो प्लेट साइज़ है कंपनी ने इस बाइक में फ्रंट में यूज़ की है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में आपको बता दूं, इस बाइक में आपको 149.50 cc का एयर कूल टू वॉल्व ट्विन स्पार्क प्लग सिंगल सिलेंडर DTSI FI जो इंजन है वो आपको बाइक में मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों ये मैक्सिमम पावर में लगभग 14 PS की पावर जनरेट करती है एंड 13.25 के आसपास का जो इंटरमीडियन टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब पावर एंड टॉर्क आपको बाइक में बहुत अच्छा मिल रहा है। दोस्तों, इसमें फ्यूल सिस्टम में आपको FI मिलेगा, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग इंजन आपको बाइक में मिल जाता है। BS6 विथ E20 नॉर्म्स के साथ में आती है। नंबर ऑफ वन सिलेंडर में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। बाइक की बोर साइज़ 57 mm की है। स्ट्रोक साइज़ लगभग 46.4 mm की मिलेगी। 5 गियर के साथ में आती है। नॉर्मल आपको वेट मल्टीप्लेट जो प्लस है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। प्लस दोस्तों, नया इंजन है तो ये E20 नॉर्म्स के साथ में भी आता है। सो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर लें इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, आपके राइड करने के तरीके पे, बट फिर भी दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लगभग 50 to 55 के आसपास का माइलेज इजली ऑफर कर देती है। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 16 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको लगभग 120 km/h के आसपास की टॉप स्पीड आपको इस बाइक में मिल जाती है। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले आपको यहाँ पे 150 की बैचिंग मिल रही है। रियर में आपको बाइक में जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है दोस्तों आपको मिलता है। रियर फुटेज की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। रियर में बाइक में आपको 190 के टायर सेट देखने को मिलते हैं। 17-inch व्हील के साथ में आती है। प्लस रियर के आप देख पा रहे जो स्टैंड है, ये आपको मेन स्टैंड भी आपको इसमें मिल जाता है। प्लस रियर में आप टेल लाइट जो देख रहे हो, आपको यहाँ पे LED देखने को मिल जाता है। भाई दोस्तों, आपको यहाँ पे देख पा रहे ग्रेबरिस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद ये बाइक की सीट है, इसमें आपको सिंगल सीट मिलता है। कंपनी ने यहाँ पे डुअल सीट नहीं दिया, नॉर्मल सिंगल सीट के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे आपको लेडीज़ फुटेज भी मिल जाता है। वहीं आप देख पा रहे बाइक का टैंक डिज़ाइन है, जहाँ पे आपको 820 की बैचिंग भी मिल जाती है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ ऐसे आपका की आपको बाइक में मिलेगा। स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक में आपको एनालॉग भी डिजिटल मीटर आपको बाइक में देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको मिलेंगे। जैसे साइड स्टैंड इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, एवरेज फील इकोनॉमिक इंडिकेटर है, 1 है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी आपको बाइक में मिलेगा। साथ में ओडोमीटर, 1, 2 फील इंडिकेटर, ये सारे फीचर आपको बाइक में मिल रहे हैं। टेकोमीटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीजन में दिस इज पास सीट, लो बीम है बीम, टर्न सिंगल है, हॉर्न, इंजन किल सीट, सेल्फ फर्स्ट सीट आपको बाइक में मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे आपको देख पा रहे पल्सर 3D मोनो की भी ब्रांडिंग मिल जाती है। भाई दोस्तों, इस बाइक की जो सीट हाइट है ना,
वो हमें देखने को मिलती है लगभग 785 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का। कर्व वेट लगभग 148 kg का। फिल्टर कैपेसिटी आपको 15 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। सही तो दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर 150 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है। अगर दोस्तों आप लोगों को छोटी सी इंटरेस्टिंग अच्छी लगी बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी ऑल जय हिंद वंदे मातरम।